पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बम तो गिराया गया है, इसके इजाफे के बाद आवाम पर किरायों में इजाफे का बम गिराने की भी तैयारियां कर ली गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में इजाफे के लिए हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। किरायों में 10% इजाफा किए जाने का इम्कान है। ये थोड़ी सी मजाका खेज बात भी है कि जब पेट्रोल की कीमत कम होती है, डीजल की कीमत कम होती है, तब किराए कम नहीं किए जाते, लेकिन जूँ ही ऐलान होता है कीमत के बढ़ने का तो ट्रांसपोर्टर्स भी हरकत में आ जाते हैं, और चूंकि कोई पूछने वाला नहीं है तो अज खुद इजाफे भी किए जाते हैं। तो आवाम पर अब ये बम गिराने की भी तैयारियाँ की जा रही हैं कि किरायों में 10% तक इजाफा हो जाएगा, और उनकी जानिब से, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, इसके बाद किरायों में इजाफा करना उनकी मजबूरी है। तो हर कोई मजबूर है, लेकिन अवाम जो मजबूर है उसका किसी को पुरसाने हाल नहीं है। कोई भी किरायों में इजाफा ना किया तो गाड़ियां बंद करनी पड़ सकती हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से धमकी भी दी गई है। किरायों में इजाफे के बाद मुसाफिरों की आमद और रफ्त मजीद कम हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम पर किरायों में इजाफे का बम गिराने की तैयारियां भी कर ली गई हैं। शबीर हैदर जफर हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताइएगा क्या कह रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम पर किरायों में इजाफे का बम गिराने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं, जिस पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानब से किरायों में इजाफे के लिए बंद रोड पर एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, और इसमें जराये के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्टर की जानब से 10% किरायों में इजाफा किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर जराये का ये कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इसके बाद किरायों में अगर इजाफा ना करें तो गाड़ियां हमें बंद करनी पड़ सकती हैं, ये किरायों में इजाफा करना भी मजबूरी है, और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि अगर किरायों में इजाफा करते हैं तो मुसाफरों की जो आमद और रफ्त है वो मजीद कम हो जाएगी, और इस हवाले से उनका कहना है कि इन तमाम पहलुओं पर मशावरत के लिए इजलास तलब किया गया और तमाम ट्रांसपोर्टर के साथ मशावरत की जाएगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कितने फीसद जो किराया है वो बढ़ाया जाए, और इस हवाले से अभी जो जराए हैं वो यही कह रहे हैं कि 10% तक ये किरायों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और इसके ऊपर मशावरत की जाएगी, और जिस तरह मशावरत के बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि कितने किरायों में इजाफा किया जाता है। दूसरी जानब जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्टर की जानब से मनमाने किराया जो है उनमें इजाफा कर दिया जाता है, जबकि गरीब आदमी जो है वो किराया तो गरीब आदमी नहीं देना है, और जिसने सफर करना उसने किराया देना है। दूसरे एक जाना तो ट्रांसपोर्टर अपने किराया। बहुत शुक्रिया शबीर, आपने अपडेट किया।